हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह के बज रहे होंगे शायद 9। मैंने अभी घड़ी नहीं देखा है, मतलब बहुत टाइम हो गया है मुझे समय देखे हुए। तो अभी मैंने चना खा लिया है, चाय पी ली है, चाय और पाव रोटी खाई है। और इधर देखिए बेसन निकाल के रखा हुआ है। आज बनने वाला है लंच में कढ़ी चावल रोटी। तो मैं फटाफट से कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ। सीखा कर रही थी कढ़ी बना देना दीदी, और चावल उधर पक चुका है, वहाँ पे रखा है। सीखा नहा के चावल बना ली है और बाबू की टिफिन बना दी थी। बाबू टिफिन लेके चला गया है। आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम कैसे कढ़ी बनाते हैं बिना दही बिना मट्ठे के, क्योंकि बहुत लोग देखिए बिना दही बिना मट्ठे के कढ़ी बनाना नहीं जानते हैं। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि बिना मट्ठे बिना दही के भी कढ़ी बन सकती है। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, अच्छी लगेगी तो प्लीज प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीखा ने ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू की सूखी सब्जी और बनाया था पराठा। बाबू टिफिन ले जाता है ना, तो मुझे भी बोली दीदी ब्रेकफास्ट बना है खा लो। तो मैंने कहा मैं नहाई नहीं हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, नहा लूंगी फिर खा लूंगी। तो सीखा बोली दीदी चाहे मैगी बना लो चाहे पास्ता बना लो। तो मैंने कहा जो घर पे है लाओ वही बना लेती हूँ। तो माइक्रोनी पास्ता रखा हुआ था तो मैंने वही बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बनाने के बाद मैंने खाया, सब लोगों को दिया। छोटे वाले भाई के लिए मैंने कटोरी में भर के रख दिया था क्योंकि वो स्कूल गया था। देखिए कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आपके यहाँ नवरात्रि में लहसुन प्याज यूज हो रहा है, तो हमारे यहाँ नवरात्रि में बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं यूज होता। ये जो वीडियो आप लोगों के पास जा रही है ना, ये सब नवरात्रि के पहले की वीडियो है। मतलब मैंने ना नवरात्रि में एक भी ब्लॉग नहीं शूट करा है, एक भी। हमारे परिवार में ना भाइयों ने मिलकर माता रानी रखी है, बहुत ही प्यारी बहुत ही क्यूट सी है। आप लोगों ने इंस्टाग्राम में देखा होगा, मैं वहीं व्यस्त रहती हूँ इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पाती। कढ़ी बनाने के लिए मैंने ये बेसन ले रखा है और इधर मैंने सारी सामग्री ले रखी है, मतलब फ्राई करने के लिए सारी सामग्री है। और ये प्याज ले रखी है मैंने पकौड़े बनाने के लिए, और बिना मट्ठे और दही के मैं बनाऊंगी। आप लोग देखिएगा बहुत अच्छी बनेगी और फ्लेवर भी बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। सारी ब्लॉग मेरी नवरात्रि के पहले की है इसलिए मैंने भर भर के लहसुन प्याज यूज करा है। मतलब सारी रेसिपी में मैं लहसुन प्याज अदरक यूज करती थी। और नवरात्रि में तो हमारे यहाँ चोखा बन रहा है और विदाउट लहसुन प्याज की सब्जी बन रही है। मतलब जीरे से अदरक से और मिर्ची से तड़का लगा दे रहे हैं और थोड़ा बहुत मसाले डाल रहे हैं, बाकी चोखा बन जा रहा है। और लहसुन प्याज नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, ये पहले की सब ब्लॉग है। तो मैंने ना ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत नहा लिया था और नहाने के बाद फटाफट मैं कढ़ी बनाने लगी थी। कढ़ी में एकदम नॉर्मल तड़का लगाया था, हमारे यहाँ कढ़ी पत्ता नहीं मिलता इसलिए मैंने कढ़ी पत्ता नहीं डाला था। इसमें राई मेथी जीरा ये डाल के और फिर लहसुन मिर्ची अदरक प्याज जो भी कट करी थी मैंने वो सब डाल दिया। फिर मसाले का घोल डाला और फिर बेसन वाला बैटर डाला और काफ़ी सारा पानी डाल दिया था। मतलब बेसन है ना बहुत जल्दी से थिक हो जाता है, तो मैंने काफ़ी सारा पानी डाल के उसको लगातार चलाया, मतलब कंटिन्यू चलाती रही जब तक वो थिक नहीं होने लगा। और फ्लेम को मैंने हाई ही रखा था, फिर लगातार चलाते चलाते जैसे ही कढ़ी में बॉयल मतलब होने लगी, उबाल आने लगी, वैसे ही मैंने सारे पकोड़े इसमें ऐड कर दिए, डाल दिए। और डालने के बाद फिर मैंने लगातार चलाया और जब ज़ोर ज़ोर से बॉईल होने लगी तो मैंने इसको कवर कर दिया था, मतलब 4-5 मिनट के लिए ढक दिया था, ढक के छोड़ दिया था। तो कढ़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बिना मट्ठे बिना दही के बहुत टेस्टी बनी थी। हमारे यहाँ ना मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी, तो मैं मम्मी की वजह से कढ़ी बना दी थी और सब लोग खाते हैं, मैं कढ़ी बहुत कम खाया करती हूँ। फाइनली हमारी कढ़ी बनकर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा यमी दिख रही है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो सब लोगों ने लंच किया, लंच करने के बाद हम लोग लेट गए थे 1 घंटे के लिए रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद मैं उठी तो सीखा बोली दीदी मुझे किचन के सारे डब्बे चेंज करने हैं, तो अगर मेरी हेल्प कर दोगी तो मैं जल्दी कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है लाओ, मैं सारे मसाले वसाले डब्बे में भर देती हूँ और तुम वहाँ पर क्लीन करके साफ़ सफाई करके रख दो सारे डब्बे। तो मैं वही सारा सामान रख रही थी और सीखा सारे डब्बे का सामान मुझे निकाल निकाल के दे रही थी, और पुराने मतलब जो सामान थे वो सारे डब्बे का सामान निकाल के दे रही थी, कह रही थी नए डब्बे में डाल दो दीदी। मेरे किचन में जितने भी पुराने डब्बे थे वो सब सीखा हटा के फेंक दी थी, नया वाला रख दी थी। मेरे किचन में क्या सीखा के किचन में, मेरा किचन तो अब यहाँ रहा ही नहीं, सीखा का अब हो गया है क्योंकि सीखा संभालती है। तो सीखा ने सारा पुराना डब्बा फेंक दिया था, नया डब्बा किचन में लगाने के बाद। आलू बड़े बनाने की सारी तैयारी मैंने कर रखी है। इधर मैंने बेसन निकाल लिया है और इधर थोड़ी सी पीनट्स ले रखी है, मतलब मूंगफली डालूंगी, इससे स्वाद ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है। उधर लहसुन और मिर्ची, इधर कुछ खड़े मसाले सौंफ जीरा धनिया मगरेल, इधर मैंने मसाले ले रखे हैं, गर्म मसाले सब्जी मसाला और आमचूर पाउडर और धनिया
पाउडर और इसमें हल्दी पाउडर और यहाँ पे आलू बॉईल करके। और अब मैं फटाफट से बनाना शुरू करती हूँ। उधर मैंने रिफाइंड रखा है, आप रिफाइंड ऑयल किसी भी कुकिंग ऑयल में आप इसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है आलू बड़ा। और जैसे मैं बनाती हूँ ना, आज आप उस तरीके से बनाइएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा खा के। मैं जब आलू बड़े बनाती हूँ ना, जो उसकी स्टफिंग होती है, स्टफिंग में थोड़ा सा बेसन भून के डाल देती हूँ ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है और बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब आपके ना बड़े एकदम गोले गोले बनते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बेसन भून के रख लिया था, फिर उसके बाद खड़े मसाले डाले, फिर लहसुन मिर्ची अदरक डाला, फिर उसके बाद मैंने सारा आलू, मतलब जो भी था मेरा, वो सारे आलू को मैंने मैश कर लिया था। फिर सारा आलू डाल के खूब अच्छे से चलाया, मिक्स किया, मतलब खड़े मसाले के साथ। फिर जितने भी पीसे हुए मसाले थे तो वो सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मैंने इसी आलू से थोड़ी सी टिकिया बना दी थी, और बना दिया था मैंने थोड़ा सा आलू बड़ा। और नमक डालने के बाद मैंने इसमें बेसन भी डाल के मिक्स कर दिया। आलू की स्टफिंग से मैंने छोटी छोटी टिकिया बनाई, और तवे को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, थोड़ा सा तवे पे डाला तेल, और तेल डालने के बाद मैंने सारी आलू की जो टिकिया बनाई थी वो डाल दी थी। मतलब मैंने 10 या 15 टिकिया ऐसे बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने आलू बड़े बनाने शुरू कर दिए, और मैं ये सब एक दिन में ही बनाई हूँ। मतलब जितनी भी आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये सब मैंने एक दिन में कंप्लीट करी है, एक दिन में ही बनाई है, क्योंकि मुझे जाना है ससुराल और सब लोगों को मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है खाना, कुछ भी हो, कोई भी रेसिपी हो। तो मैंने कहा कि अब मैं जाने वाली हूँ तो मैं सबको कुछ ना कुछ बना के खिला देती हूँ। तो ससुराल जाने वाली वीडियो आप लोगों को आने वाली ब्लॉग में मिलेगी, तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरी ससुराल जाने वाली ब्लॉग आप लोगों को आने वाली वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए आप वीडियो का इंतजार करिएगा, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, बाय बाय यूट्यूब फैमिली।